पिछले कई दिनों से चल रही हरियाणा के अनाज मंडियों की हड़ताल आज मंत्री करणदेव कांबोज और कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा के प्रयासों से खत्म हो गई है। आपको बता दें कि हरियाणा की सभी मंडियों के आढ़तियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की हुई थी। आदरणीय हमारे फूड प्राइम मिनिस्टर बड़े भाई श्री करणदेव जी की अध्यक्षता में एक पूरे व्यापारियों की यहाँ मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर एक निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से अभी व्हीट की प्रोक्योरमेंट हो रही है, उसके लिए कुछ आपस में कम्युनिकेशन गैप था, उस गैप को क्लियर कर लिया गया है। और मैं ये कहूँगा कि जो मांग इनकी पूरी थी वो कर ली, और पेमेंट्स डायरेक्ट आरती को आप गवर्नमेंट देगी, बाकी जो व्यवस्था है वो वैसे की वैसी रहेगी। इस पर सभी हमारे जो व्यापारी वो भी मान गए हैं और आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, उन्होंने आपके समक्ष बता दिया है। तो अब जो काम है मंडियों के अंदर रेगुलर चलेगा, हड़ताल आज से खत्म है। भूमिका मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक कच्चा आरती भी हूँ इन व्यापारियों के साथ। जब जब भी व्यापारियों की समस्या आई है, हमेशा राइस मिल एसोसिएशन की समस्या आई है चाहे कच्चा आरती की कोई समस्या आई है, हमेशा हमने अपना जो पक्ष है आदरणीय प्रिंसिपल मिस्टर करणदेव जी बैठे इनके आगे रखा है और इनके साथ मिलकर सरकार के आगे हमेशा इन्होंने हल करने की कोशिश की है। 5 वर्ष का हमारा शासनकाल रहा है, कभी भी हमने व्यापारी के लिए कोई परेशानी नहीं होने दी। आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार के किसान को और व्यापारी को कोई परेशानी ना आए। आज हरियाणा सरकार में मंत्री श्री करणदेव जी कंबोज व सुभाष सुधा जी की अध्यक्षता के अंदर एक शिष्टमंडल हरियाणा स्टेट आरती एसोसिएशन का मिला, जिसमें हमारी समस्याओं को लेकर काफ़ी दिन से हम लोग हड़ताल पर थे। आज उन सारी समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और उसी समय मंत्री जी ने सीएम साहब से बात करके हमारी सभी समस्याओं को दूर करते हुए ये सुझाव दिया है कि आपका काम पुराने तरीके से चलता रहेगा और BCPA से संबंधित जो काम है वो सरकार खुद करेगी। एक विशेष इन्होंने फैसला किया है कि अगर आरती को या सरकार को किसान को अगर 7 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलती तो 8वें दिन 12% ब्याज ऑफ रेट से सभी को ब्याज के साथ पेमेंट दी जाएगी। मैं इन बातों को देखते हुए हरियाणा में अपने आढ़ती भाइयों को बधाई देता हूं कि वो सब मिलजुल कर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने में कामयाब रहे और मैं हड़ताल वापस लेने की घोषणा करता हूं। और मंडियों में अभी आवक भी शुरू होने वाली है तो पिछले कुछ दिनों से जो है मंडी एसोसिएशन के जो है ना मंडियों के अंदर जो है कुछ खरीद को लेकर के संशय बना हुआ था, कुछ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ सिस्टम में चेंज किया गया था। तो हमने फैसला किया है क्योंकि अब सीजन ऊपर है, बिल्कुल सिर के ऊपर है और किसानों को भी जल्दी है और आड़ती भी खरीदने के लिए तैयार हैं और आड़तियों का किसानों का चोली दामन का साथ होता है और सरकार भी इनके साथ मिलकर के किसानों का एक एक दाना खरीदा जाए वो भी इनका सहयोग करते हुए तो इस प्रकार का मंडियों में प्रोक्योरमेंट करती है। तो हमने बैठ करके सारे एक एक विषय पर चर्चा की है और जो हमारा BCPA को लेकर के कुछ संशय था BCPA के सब ने माना है, आड़तियों ने भी कहा है कि इसको थोड़ा दिन चलने दें, अगर कामयाब रहता है तो हम BCPA की हमें कोई आवश्यकता नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी कोई दिक्कत आएगी तो बीच में इसको एक बार रिव्यू कर लेंगे। आज जो है ना इस बात को मान लिया सब ने कि BCPA की आवश्यकता नहीं है। और जो ऑनलाइन फार्म अप्लाई करने की बात थी, जो जे फार्म ऑनलाइन करने की बात थी, वो सारे के सारे जूं के तू जैसे पहले होते थे मैनुअल होंगे और किसी भी प्रकार का जो है ना ऑनलाइन किसी को आवेदन नहीं करना पड़ेगा। और हमारे जो डिपार्टमेंट के माध्यम से जो पेमेंट का सिस्टम है वो 1 सप्ताह के अंदर सबको पेमेंट करेंगे और किसानों की जो पेमेंट है वो भी जो है ना आड़ती उनको जो है ना वो साथ के साथ पेमेंट देगा। तो इन सारी बातों पर जो है ना एक एक बात पर चर्चा हुई है मंडी को लेकर के किस प्रकार की कोई दिक्कत है, बारदाने की कोई दिक्कत है, एक एक पहलुओं पर हमने चर्चा की और सब ने खुशी खुशी जो है ना सारी बातों पर विचार करते हुए सब ने तय किया कि अभी मंडियों में जो है ना वो खरीद शुरू कर देंगे
और अगर कोई बीच में कोई समस्या आई तो बैठ करके फिर रिव्यू कर लेंगे और उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आज ये जो है ना यहाँ फैसला हुआ है, मंडी एसोसिएशन के हरियाणा प्रदेश के सभी पदाधिकारी आज यहाँ बैठ करके लगभग एक घंटा में बैठ करके हमने विचार किया और एक एक पहलू पर हमने विचार किया जिनका समाधान भी हमने निकाल करके, और आज से हमारी जो है ना मंडियों में खरीद शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हड़ताल खत्म हो गई है, मंडी एसोसिएशन मेरे साथ ही बैठी है, तो सब ने मिल करके जो है ना फैसला किया है, एक एक बात पर विचार करके उनका समाधान क्या हो सकता है उस पर भी विचार किया है, और सरकार के तौर पर हम कितनी इसमें मदद कर सकते हैं वो भी हमने सब एक एक बार पहलू पर जो है ना चर्चा करते हुए, जो भी सरकार की तरफ से भी होगा वो भी मदद करेंगे, और ये भी एसोसिएशन भी सरकार को कोऑपरेट करके जो है ना जो ये एक एक दाना गेहूं का खरीदने का काम करेगी, किसानों का फसल जो है ना वो ठीक प्रकार से खरीदी जाए, तो इसके लिए जो है ना सब मिल करके काम करेंगे। प्राणी जो हमारे सिस्टम था मैनुअल जो है, सारे जय फार्म आई फार्म जो है ना मैनुअल ही होंगे, और जो BCPA था, BCPA सब ने माना कि BCPA के हमें, क्योंकि अगर जो पेमेंट सीधी हम खाते में देते हैं आड़ती के, तो उसमें BCPA की ज़रूरत नहीं महसूस की जा रही है, अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत पड़ेगी तो बाद में इसको रिव्यू कर लेंगे।